चैताभा श्रद्धा परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटे कोटि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों हम कृपा से प्रभु वीर की वाणी का समय समय पर लाभ ले रहे हैं और आपने पीछे चौथा अध्ययन सुना आज हम गुरु कृपा से उत्तरा अध्ययन का ही पांचवा अध्ययन मरणीय जो अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ उसी में से कुछ आपको सुनाने का बताने का समझाने का प्रयास करूँ उत्तराध्यन का पांचवा अध्ययन जिसका नाम बताया है अकाम अकामरण इस अध्ययन में प्रभु क्या फरमाते हैं कि जैसे व्यक्ति जीवन से मोह करता है जीवन से प्रेम करता है सुखों से प्रेम करता है और मृत्यु से भय खाता है जीव इस संसार में जीवन से प्रेम करता है सुखों से मोह करता है और मृत्यु से भय खाता है परंतु जीवन से वो जितना प्रेम कर ले सुखों से जितना मोह कर ले मृत्यु से जितना मर्जी डर ले परंतु ये जीवन सदा रहने वाला नहीं है और मृत्यु टलने वाली नहीं है यह सार्वभौम सत्य है कोई भी धर्म संप्रदाय ग्रंथ इस बात में दो मत नहीं रखते हैं। कि मृत्यु किसी के कहने से टल जाए कुछ क्षण बढ़ जाए जो मृत्यु का निश्चित समय है उसके बाद हो जाए ये कभी ना हुआ है ना हो रहा है और ना ही कभी होगा कि ये पांच तत्वों से शरीर बना है इस शरीर के पीछे एक छोटा सा मन भी है चित्त भी लगा हुआ है और अहंकार भी है इंद्रियां भी हैं उन इंद्रियों के विषय कषाय भी हैं परंतु तो इतना जान लेने से हमने शरीर को नहीं जाना उस शरीर का कोई मूल मूल्य नहीं है जब तक उस शरीर में चेतन तत्व नहीं है उस शरीर में जीव नहीं है जिसको हम और आप साधारण सरल सरल आसान शब्दों में आत्मा कहते हैं दूर से आप एक वृक्ष को देख रहे हैं आप उस वृक्ष को देखते देखते उसके नजदीक पहुंच गए हमने वृक्ष में क्या देखा हमने वृक्ष की मोटी तने देखी लताएं देखी पत्ते देखे फल देखे फूल देखे छाया देखी ये हम इस दृष्टि से हम वृक्ष को इसी तरह से देखते हैं परंतु क्या उसकी लताएं, पत्ते फल फूल छाया देखना वृक्ष के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया क्या ये वृक्ष की पूर्णता है उसको जानने का मानने का ज्ञान हो गया परंतु जब तक हम उस वृक्ष का मूलाधार जो है जिसके ऊपर वो खड़ा है उसका आधार है उसकी नींव है जो उसे आहार पानी देती है भोजन देती है उसे विकसित विकसित करती है वृद्ध करती है वो क्या है उस वृक्ष की जड़ जो हम नहीं देख पाते जब तक आप जड़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप वृक्ष की अधूरी जानकारी अधूरा ज्ञान आपको है इसी प्रकार आपने इस शरीर को जान लिया मन को देख लिया अहंकार आ गया इंद्रियों को देख लिया उसके विषय कषायों को भोग लिया परंतु ये शरीर को जानना नहीं है जब तक आपने उस चेतन तत्व को उस जीव तत्व को नहीं जाना जिसे हम आत्मा कहते हैं जिसने आत्मा को जान लिया उसे फिर मृत्यु से भय नहीं होता है शरीर को जानने से कोई लाभ नहीं है ये तो जड़ है ये तो नष्ट होने वाला है खत्म होने वाला है ढलने वाला है भुड़ा होने वाला है दांत झड़ने वाले हैं, बाल सफेद होने वाले हैं कमर झुकने वाली है इस शरीर को जाने या ना जाने परंतु शरीर जिससे चल रहा है जिससे हम क्रिया कर रहे हैं जिससे जीवन जी रहे हैं जिससे इंद्रियों का भोग कर रहे हैं जो ताकत है यदि आपने उस चेतन तत्व को जान लिया चेतन तत्व इसीलिए कहा जाता है कि वो कभी मरता नहीं है उसे कोई मार नहीं सकता है उसे कोई गला नहीं सकता है उसे कोई सड़ा नहीं सकता है वो गल सड़ नहीं सकती है वो नष्ट नहीं हो सकती है वो बदल भी नहीं सकती है जिसने उस आत्मा को जान लिया उसे फिर मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है अब सवाल यहाँ यही उठता है कि मृत्यु कैसी आनी चाहिए मृत्यु कैसी होनी चाहिए क्यों मृत्यु सबको आती है राजा हो रंक हो युवा हो बालक हो प्रौढ़ हो वृद्ध हो, संयमी हो सन्यासी हो हो, श्रावक हो श्राविका हो कोई हो, धनी हो निर्धन हो कोई हो मृत्यु सबको अपने निश्चित समय निश्चित स्थान पर आनी ही आनी है परंतु कैसी होनी चाहिए कि मृत्यु ऐसी हो जो हम सब के लिए दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाए एक प्रेरणा बन जाए लोगों के जीवन पटल पर वो स्थिर हो जाए लोगों के मन मस्तिष्क में चित्त में घर कर जाए बैठ जाए मृत्यु वैसी हो कि जो उदाहरण बने जिसकी लोग मिसाल दे। जिसका पुत्र अच्छा होता है माता पिता की सेवा करता है अच्छा व्यापार चलाता है धन कमाता है धन कमाने के साथ साथ परोपकार भी करता है दया धर्म भी करता है दान लाभ भी लेता है माता पिता की पूर्ण सेवा भी करता है हम वो उदाहरण बन जाता है हम अक्सर कहते हैं कि उसका पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है योग्य है समझदार है बुद्धिमान है बुद्धिमान है जैसे मृत्यु उदाहरण बने उसके लिए और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपका जीवन अच्छा हो ऐसे ही मृत्यु भी आपकी अच्छी हो सारा जीवन अच्छा निकल जाए परंतु अंतिम समय बड़ा दुख भरा हो दर्द भरा हो पीड़ा भरा हो हॉस्पिटल में निकल जाए वो मृत्यु मृत्यु नहीं है शरीर में से प्राण तो निकल जाएंगे परंतु अंतिम समय में उसकी सोच क्या थी उसका विचार क्या था उसके भाव क्या थे उसके मन में क्या चल रहा था कर्म बंधन की प्रक्रिया थी या कर्म निर्जरा की थी भगवान का नाम था राम का नाम था नवकार मंत्र जप रहा था या परिवार के मुह में उलझा हुआ था कि धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है हिंसा करने वाला भी धन कमाता है और सुख से जीवन जी रहा है पापी भी धन कमाता है सुख से जीवन जी रहा है मछलियों का व्यापार करने वाला भी धन कमा रहा है और आराम से जिंदगी बसर कर रहा है छल कपट करने वाला भी खूब बंगले मकान बना रहा है सुख से जीवन जी रहा है परंतु ऐसा पाप से हिंसा से अधर्म से छल कपट से मछलियां पालन से या और अन्य हिंसा का व्यापार करके जो धन कमाने से सुख मिल रहा है वो सुख क्षणिक है क्षण भंगुर है नाशवान है खत्म होने वाला है कभी भी नष्ट हो सकता है वो सुख सुख नहीं है वो ये लोक का सुख हो सकता है वो भी थोड़े समय का है वो भी नष्ट होने वाला है वो भी समाप्त होने वाला है परंतु दूसरे स्थान पर एक निर्धन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है घर नहीं है व्यापार नहीं है परंतु उसके दिल में दया है करुणा है अहिंसा है सत्य है परिग्रह से मुक्त है संयम धारण किया हुआ है साधना के मार्ग पर चल गया है उससे पहले उसके मन में एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं सभी जीवों के प्रति आत्म सर्वभूतेशु की भावना है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है वो उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता है उसके लिए अपना जीवन निछावर कर देता है अपने सुखों का भी बलिदान दे देता है अपने सुखों को भी छोड़ देता है किस कारण से क्यों केवल मेरे वजह से दूसरे को कष्ट पीड़ा दुख ना हो और जितनी हो सके मैं अपने जीवन में दूसरे को साता पहुंचा सकू जैन धर्म में दो राजाओं का बड़ा वर्णन आता है कोनिक का और श्रेणी का परंतु तो उन दोनों को महत्व ना देते हुए प्रभु ने यदि महत्व दिया तो वो पुनिया को दिया पुनिया की समायिक को दिया उसके संयम को दिया उसकी साधना को दिया उसकी निष्प्रियता को दिया उसकी निष्कपटता को दिया कि यहां से भी बात स्पष्ट हो जाती है कि बात धन की नहीं है बात उस धन के उपयोग की है जब हम पुणिया श्रावक का वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि उसकी दोनों वर्षी तप करते थे एक दिन पुणिया श्रावक स्वयं व्रत करता था उसकी धर्मपत्नी पत्नी पारना करती थी अगले दिन वो व्रत करती थी और पुनिया पारना करता था ताकि घर में कोई भी साधु आए तो वो खाली ना जाए पूर्णतया उन्होंने पांच अनुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षा व्रतों को ग्रहण किया हुआ था जिसमें अतिथि सम विभाग एक व्रत है दूसरों को भोजन करके ही स्वयं भोजन करना क्योंकि वो इतना धनाढ़ पैसे वाला नहीं था एक दिन में एक ही व्यक्ति भोजन कर सकता था उसमें से भी उनके भाव यह रहते थे कि हम किसी साधु को संत को संयमी को मुनि को निर्ग्रंथ को गोचरी बहराए आहार बहराए फिर हम आहार करें फिर हमें आहार का लाभ हो यहां आप विचार करें या धन से प्रमुख धर्म है जिसने धर्ममय धन कमाया उसका धन कमाना सार्थक हुआ सताम है कि वही परोपकार सफल है सार्थक है जो दूसरों के जीवन को सहयोग देता है सहारा देता है ऊंचा उठाने का प्रयास करता है और धर्म कार्य में प्रदर्शन अच्छा नहीं है शायद मैंने पूर्व में आपको ये प्रसंग सुनाया हो, आज सुबह मैं याद कर रहा था तो मुझे स्मरण नहीं आया कि आचार्य भगवान पुष्री आत्मा राम जी महाराज के पास एक परिवार अपने पोते को दर्शन करवाने के लिए लाया दर्शन करने के बाद मंगल पाठ सुनने के बाद जब वो जाने लगे तो हमारे वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहीं बैठे थे और उस सेठ ने दान पात्र के पास गया जेब से सौ का नोट निकाला और वाचनाचार्य भगवान की ओर देखता हुआ कहता है कि गुरु महाराज क्या दान पात्र यही है तो गुरुदेव फरमाते हैं कि श्रावक जी आप पढ़े लिखे हैं उस पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि दान पात्र आपके स्थानक भवन में भी दान पात्र है सभी स्थानकों में दान पात्र है सभी धर्म स्थलों में दान पात्र होता है परंतु वो दान पात्र केवल उसी को दिखता है जिसकी डालने की भावना है हम उस पर दान पत्र प्रलोक बैंक लिखते तो लिख तो देते हैं उसको चाहे आप मार्ग में रख दे सबके आकर्षण का केंद्र क्यों ना बन जाए परंतु डालने वाले फिर भी नहीं डालते हैं अपना घर बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए अपने पोते पोतियों के लिए वो रोज के पचास 100 दो सौ पांच सौ रुपए खर्च देंगे परंतु दान पेटी उन्हें दिखती नहीं है उसमें पांच दस बीस रुपए डालने का उनका मन भाव विचार ख्याल नहीं आता है क्यों फिर हम धार्मिक हैं फिर हम जैन हैं हम दान देते हैं परंतु उस दान का उस परोपकार का क्या लाभ तो वो सौ का नोट दिखा डालने से पहले दिखाता है तो वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान ने आचार्य भगवान को कहा कि वो श्रावक आया था उसने इस तरह सौ का नोट डालने से पहले मुझसे पूछा तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पुत्र उसने इसलिए दिखाया कि कभी वो सभा में आए और उसकी तुम प्रशंसा करो ऐसे तो धनाढ्य सेठ हैं जो सौ सौ रुपए ऐसे समय में दान पात्र में डालकर जाते हैं उस सौ रुपये के पीछे क्या रहा इच्छा तृष्णा आकांक्षा वासना उस चाहे एक हो चाहे सो हो चाहे हजार हो लाख हो उस दान का कोई लाभ नहीं है ऐसी गिनकर माला फिरने का कोई लाभ नहीं है ऐसी दूसरों को बताकर तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है अपने गुणगान करवाकर परोपकार करने का राशन बांटने का कोई लाभ नहीं है जब तक आपके उस कार्य के पीछे धर्म नहीं है परोपकार नहीं है कर्म नहीं है वो मात्र एक क्रिया आपके जीवन में अभी आचार नहीं आया है आचरण नहीं आया है चरित्र नहीं आया है केवल एक प्रदर्शन है केवल एक दिखावा है प्रभु महावीर का एक जय घोष है जो जैन लोग अक्सर लगाते हैं हम लोग भी लगाते हैं कि जियो और जीने दो प्रभु का क्या नारा है कि जियो और जीने दो कि कैसे जीने दो इस स्लोगन को आपने क्या समझा कि एक निर्वस्त्र बच्चा बालक बूढ़ा वृद्ध बैठा है क्या उसे निर्वस्त्र ही जीने दिया जाए एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है उसके पास किताबें नहीं है पैसे नहीं है वो खरीद नहीं सकता है पढ़ नहीं सकता है फीस नहीं दे सकता है कि उसे ऐसे ही रहने दिया जाए उसे अज्ञानता में जीने दिया जाए उसे पढ़ने का मौका ना दिया जाए कि घर पे छत नहीं है सिर ढकने के लिए छाया नहीं है उसे ऐसे ही जीने दिया जाए उसके आगे से हम निकल रहे हैं एक भूखा बैठा है एक बिना वस्त्रों के बैठा है एक बिना पढ़ाई के बैठा है उसके आगे से हम निकल रहे हैं कि जियो और जीने दो जियो और जीने दो ये कैसा जीवन है जियो और जीने दो का अर्थ है कि जैसे आप जी रहे हैं ऐसे दूसरों को भी जीने उसके पास यदि नहीं है और आप समर्थवान हैं आपके पास है तो उसका सहयोग करें उसे दे तो ये बर्थ बनता है कि जियो और जिने दो इस अध्ययन में प्रभु ने बाल और पंडित का ज्ञानी और अज्ञानी का वर्णन किया है इसीलिए इसका आकाम मरण नामक अध्ययन है इसमें और क्या भाव प्रभु महावीर ने फरमाए हैं आप आए और हम गुरु गुरु कृपा से कुछ और सुनने समझने का विचार करेंगे आ आज का चिंतन मात्र इतना है कि प्रभु के इस स्लोगन को याद रखें जियो और जिने दो जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही दूसरों को जिने दिया जाए और तो अधिक नहीं ओम john